नमस्कार, खबरों की खबर के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे होली पर कि होली क्यों मनाई जाती है, साथ ही आपको नकली होली और असली होली के बारे में भी बताएंगे। विष्णु पुराण में यह कथा वर्णित है कि हिरण्यकश्यप नाम का एक ब्राह्मण राजा था। उसके भाई हिरण्याक्ष को भगवान विष्णु के अवतार बरहा ने मारा था। इसका बदला लेने के लिए हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु को खत्म करना चाहता था। वह तपस्या करने के लिए चला गया। जिस समय वह तपस्या करने गया था, उस समय उसकी पत्नी कयाधु गर्भवती थी। हिरण्यकश्यप के तपस्या करने जाते ही इंद्र जी कयाधु को उठा ले गए। उन्हें डर था कि उसके गर्भ में कोई दैत्य होगा और वो वह हिरण्यकश्यप की तरह बलशाली होगा, इसलिए उन्होंने सोचा कि इसके पैदा होने से पहले ही इसे मार दिया जाए। तभी इंद्र जी को नारद जी मिल जाते हैं। वहाँ नारद जी कयाधु को उपदेश देते हैं और भगवान विष्णु की कथाएं सुनाते हैं। उस समय कयाधु जी के गर्भ में प्रहलाद जी थे, जिन्होंने सारा ज्ञान सुन लिया था। वो नारद जी के आश्रम में ही पैदा हुए और दिन ज्ञान सुनते रहे। करीब 6-7 वर्ष की आयु तक वे वहीं हरि कथा सुनते रहे, जिसके कारण उनके अंतर मन में भगवान की ही भक्ति चलती रहती थी। बाल अवस्था में ही यानी 6-7 साल की आयु में प्रहलाद की माता कयाधु के साथ अपने राजमहल में आए। जब हिरण्यकश्यप ने अपनी तपस्या पूरी कर ली थी और वह वापस अपने राजमहल में लौट आया था, हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी से ऐसे ऐसे वरदान मांगे कि जिससे वो अमर हो सके, और इसी भूल में वो अपने आप को भगवान समझने लगा और भगवान को दुश्मन समझने लगा। लेकिन प्रहलाद भगवान के परम भक्त थे। हिरण्यकश्यप के भाई से सारी प्रजा उनको भगवान कहती थी, लेकिन भक्त प्रहलाद कहते, मेरे पिताजी भगवान नहीं हैं, भगवान तो कोई और है। जब ये बात हिरण्यकश्यप को पता चली तो प्रहलाद से वार्ता की। तब भी प्रहलाद ने यही कहा कि पिताजी आप भगवान नहीं हो, भगवान तो कोई और है। फिर उसने पूछा कि कहाँ है तेरा भगवान। तब प्रहलाद ने बोला कि भगवान तो सर्वव्यापक है, वो हर जगह है। ये बात सुनकर वो इतना क्रोधित हो गया कि उसने अपने प्रहलाद को मारने की ठान ली। एक पिता अपने ही पुत्र का दुश्मन बन गया और तरह तरह से उसे मारने की कोशिश की गई, परंतु भगवान प्रहलाद की रक्षा करते रहे। एक दिन हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका के पास एक वरदान वाली चादर थी, जिसे ओढ़कर अगर वो अग्नि में बैठ जाए तो उसे अग्नि जला नहीं सकती थी। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए होलिका को बुलाया और होलिका अपनी चादर ओढ़कर प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाती है। परमात्मा ने हवा इस तरह चला दी कि हवा के वेग से वो चादर उड़कर प्रहलाद के ऊपर जाती है और होलिका जलकर मर जाती है। राक्षसी होलिका के जलकर मरने के बाद से होलिका दहन की प्रक्रिया हर वर्ष मनाई जाती है। तब से लोग लकड़ियां इकट्ठी करके होलिका दहन करते हैं। इसे धर्म की जीत के रूप में मनाया जाता है, ऐसा लोगों का मानना है। लेकिन इस तरह की क्रियाओं का पूजा के तौर पर करने का जिक्र अपने शास्त्रों में नहीं है। आप खुद सोचिए, भगवान ने भक्त की रक्षा की तो यह भक्ति और भगवान को याद करने का दिन होना चाहिए था, जो कि अब हुड़दंग में बदल गया है। होली के नाम पर धूल मिट्टी कीचड़ में सुअर की तरह सराबोर रहते हैं। रंग गुलाल पानी की अलग से बर्बादी, विभिन्न केमिकल युक्त बने रंगों के उपयोग से काफी लोगों को स्किन प्रॉब्लम से भी जूझना पड़ता है। शराब जुआ मांस भक्षण विशेष तौर पर होने लगा है। कहने का तात्पर्य है कि होली मनाना एक शास्त्र विरुद्ध क्रिया है। इसको शिक्षित लोगों को समझना होगा और इस नकली होली को त्याग कर असली होली मनानी होगी, जिससे हम और हमारा परिवार हर्ष और उल्लास से अपना जीवन बिता सकें। तो अब बात करते हैं असली होली की। संत रामपाल जी महाराज जी ने संत गरीबदास जी महाराज जी की वाणी को आधार बनाते हुए कहा है कि असली होली तो प्रतिदिन मनाई जाने चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रतिदिन होली कैसे मनाई जाए, तो अब हम आपको पूरी डिटेल में बताते हैं कि होली कैसे मनाई जाती है। संत गरीबदास जी महाराज जी कहते हैं, जैसे किरका जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खावे राम रंग होरी हो। इस वाणी का सरलार्थ जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने किया और बताया कि होरी मतलब खुशी मनाना, और होली खेलने हैं तो राम के रंग की होली खेलो और प्रतिदिन खुशी मनाओ। परमात्मा की भक्ति करने से जो खुशी मिलती है वो इस नकली होली से नहीं मिल सकती, जिसमें लाल पीले मुंह करके एक दूसरे पर रंग डालते हैं। ये होली तो वर्ष में एक बार मनाई जाती है, पर राम के रंग की होली प्रतिदिन मनाई जाती है। उनका कहना है कि तुम एक दिन की खुशी मनाते हो और सारा दिन जहर खाते हो। दूसरों का बुरा सोचना, बुरी नीयत रखना, रिश्वत लेना, मिलावट करना, ये जहर खा रहे हो। और
होरी मनाने की सोचते हो, खुशी की आशा करते हो, ऐसे आपके घर में होरी यानी खुशी नहीं हो सकती। होरी कैसे होगी अर्थात खुशी कैसे होगी? जिसको ये पता लग गया कि बुरी नियत रखना, धोखा करना आदि जहर है, फिर वो उस जहर को नहीं खाएगा। और फिर देखना इस परमात्मा की तरफ से आपको कितनी होरी यानी खुशी मिलेगी। ये राम रंग होरी होगी जो प्रतिदिन आपके घर में होती रहेगी। गरीबदास जी ने यही भी कहा है, जिसे संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है, सतनाम पालड़े रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाए राम रंग होरी हो, गगन मंडल में गुमट है रंग होरी हो, जहाँ श्वेत ध्वजा फहरावे राम रंग होरी हो। गरीबदास जी महाराज जी ने कहा है कि हम तो राम रंग वाली होली खेलते हैं और प्रतिदिन खेलते हैं। असली होली मनाओ राम रंग की। संत रामपाल जी महाराज पूरे विश्व में खुशियां ला रहे हैं। उनकी शरण में आने से सभी पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। जीव भक्ति करके मोक्ष प्राप्त करता है, यहाँ भी सुख और परलोक में भी सुखी। तो इस तरह की होली मनाओ जिससे जीवन में सुखी सदा बनी रहे। उम्मीद है आज की हमारी ये पेशकश आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे अगले विषय के साथ। धन्यवाद।